गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। और जो जल्दी से आप अपने मैट और नोटबुक को ओपन करें। आज हम करेंगे 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन। ये देखो कंस्ट्रक्शन में हमें हर चीज बना उसके ज्योमेट्री बॉक्स में चल अच्छे से ध्यान से हमें कितना हमें सिक्स क्लास से ही कर रहे हैं। सिक्स में देखो हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट किया था ना, उसको पेंडिकुलर बाइसेक्ट एंगल सभी आपने यहाँ पर बनाने, 30 का, 60 का, 90 का, 45 का, ये हमने सिक्स क्लास में कर दिया है। सेवन्थ में हमें एक ट्रेंगल करनी थी जो जिसकी साइड्स और या एंगल हमारे पास होते थे, तो हमें उस पर हमने ट्रेंगल और साइड लेके हमने ट्रेंगल ड्रॉ किया। एट्थ क्लास में हमें क्वाड्रिलेटर आ गई, क्वाड्रिलेटर बनानी थी जिसकी फोर साइड एक डायगोनल या साइड और एंगल या डायगोनल, हमारे पास फाइव चीज होती थी जिससे हम इसको ड्रॉ करते थे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्लास में सॉरी नाइन्थ क्लास में ट्रेंगल की रेशियो में भी हमने डिवाइड किया, ठीक है ना। उसको हम दो साइडों के सम से हमने वो साइड दे रखी होती थी, पहले ट्रेंगल की अलग अलग साइड थी, अब दो ट्रेंगल का सम दे रखा होता था या थ्री साइड का सम दे रखा होता था, उससे हमने इसको ट्रेंगल शो किया। अब आप क्या जाता है टेंथ क्लास में, क्योंकि धीरे 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 जिस चीज से आपको बढ़ती जाए, आपने टेंजेंट के बारे में किया चैप्टर के सर्कल का, आज हम इसमें वही आपका करेंगे कि एक सर्कल के अंदर हम बाहर से उसके ऊपर टेंजेंट कैसे लेंगे, टेंजेंट जो उसको टच करती हुई जाए। एक सर्कल की टेंजेंट आप ये भी बना के देखोगे कि वो इक्वल होगी, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक निकालें, सभी हम इसमें कैसे करेंगे। सभी मिलकर करें, इसमें अगर हम उसके दो पॉइंट करेंगे, एक उसके अंदर से एक बाहर से टेंजेंट, कोई भी पॉइंट देखो हमारे पास, ध्यान से करना कि हम कैसे करें। 4 सेंटीमीटर एक रेडियस है हमारे पास, हमने ये सर्कल आपने 4 सेंटीमीटर कंपास करके एक सर्कल ड्रॉ करना है। फोर सेंटीमीटर जल्दी से अपनी कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हो, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट इस पे हमने इसके सर टेंजेंट बना दिया। तो टेंजेंट कोई भी पॉइंट हमारे बाहर का है, कोई भी पॉइंट हमारे यहाँ पर देखा, हमें यहाँ से पी से इसके टेंजेंट सर्कल है उसके बाहर कोई भी पॉइंट दे रखा है जिससे हमने उसके सर्कल ड्रॉ करना है। फिर हमने टेंजेंट बनानी पी से इस सर्कल के ऊपर, क्या कहते हैं हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया,
ये यहाँ के आगे सम भी आएंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट आया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन आई है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट को कैसे करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कंपास को लेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इनका आधा हाफ और एंगल बिल्कुल 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा यहाँ से ऊपर इसके नीचे, एक बार से हाफ से ज्यादा, इधर भी वही रखे इसको कर हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा जी आपका हाफ हाफ होना चाहिए, हाफ हाफ अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास यहाँ पर कंपास रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे अपने अपने नोटबुक पे सर्कल ड्रॉ, टच कहाँ हो रहा है, ये पॉइंट है टच हो रहा है, इसके साथ इस पॉइंट को आप इसके साथ ले आएंगे, टेंजेंट क्या बन जाएगी, टेंजेंट को बना के ए से पी तक बी से पी तक आप स्केल से देखो दोनों इक्वल होंगी, दोनों क्या होंगी इक्वल, यानी कि आप इक्वल नहीं दोनों इक्वल होंगी, ये जल्दी से अपने हम इक्वल पे बनाएं, ध्यान से करें इसके सिंपल, आपको बिल्कुल ध्यान से करना होता है कंस्ट्रक्शन का, सभी बनाए अपने नोटबुक पे टेंजेंट और सर्कल फॉर्मिंग पॉइंट आउटसाइड, जी हमने कौन सा किया आउटसाइड से, सभी करें मिलकर, ज्वाइन आपके घर की पहले बाहर वाले पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, नाम भी लिख सकते हैं वो एम एम को सेंटर लेके तो ओ एम या एम पी को लेके रेडियस
बन के उनको हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल लिख रहे नोटबुक पे। नेक्स्ट बनाए देखते हैं बनाने के लिए। इसमें देखे थे ड्रॉ ए सर्कल विद इज 3 सेंटीमीटर टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू एक्सटेंडिंग डायमीटर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल। आपको कहा कि आपने एक सर्कल अब आपके दोनों साइडों से टेंजेंट बनाने। वैसे पहले मेथड से ही इनको ज्वाइन कर दें फिर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऐसे ही इधर इनको ज्वाइन इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट दोनों साइडों पे यहां से टेंजेंट बनाने के लिए क्या क्या हमने यहां से दोनों को ज्वाइन किया और उनका क्या किया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आप भी अपने अपनी नोटबुक पे लिखें करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सभी करें। नेक्स्ट हम क्या था पॉइंट हमारा इसको सेंटर एंड सेंटर ओ एंड रेडियस ओ एंड रेडियस लेके हम उसका ये सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओ एंड सर्कल ड्रॉ किया सर्कल ड्रॉ कर इधर भी हम एन को रेडियस रेडियस ओ एन ओ एन रेडियस सर्कल। यहाँ के पहले मैंने क्या था कि दो एक ही साइड से अब हम कह रहे हैं दोनों साइडों से दोनों साइड से
करिए अपने अपनी नोटबुक पे जल्दी से। भी करें अपनी नोटबुक से जल्दी से करें नोटबुक पे। पॉइंट क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे छोड़ इसको और इसके से इधर से ये पॉइंट C, D. अब हमने क्या किया था, सर्कल के दोनों साइडों से खींची को करो अपने अपनी नोटबुक पे ज्वाइन करें। AP और PB को मेल करो, देखो कितना आ रहा है। सी लेंथ होगी दोनों की, CQ और CQD की। इसमें आप देख सकते हो AP BP QD QC, इसमें सेम होंगे। ठीक है, जल्दी से अपनी अपनी नोटबुक पे करें। ये हमारे दोनों साइडों से तीन साइड पहले सिंगल साइड से था, अब हमने दोनों साइडों से किए। सब अपनी नोटबुक पे बनाए। कैसे किया था, पहले हमारे एक सर्कल, सर्कल के दोनों साइड आउट साइड में पॉइंट, सर्कल उसके आउट साइड में वही पॉइंट। हमने सेंटर को और हमने कॉम्पास में ज्वाइन कर दिया। OP को हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। OM को रेडियस लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे ही हमने OM को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया।
सर्कल पहले वाले सर्कल को जहाँ कट करते हैं वो पॉइंट का नाम ए बी सी डी, दोनों सर्कल कट कर रहे हैं ना, नाम रख दिए। ऐसे हमारे ई बी पी ई एक साइड से सी क्यू क्यू डी, टेंजेंट जो टेंजेंट आपस में इक्वल है, ठीक है, ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगी, आप अपने नीट प्रकार मेडिकल स्कूल के काम करके, ठीक है, कल हम इनके लिए और आगे से सम बताएंगे, अब एक्सरसाइज करेंगे, ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।